सांसद भवन आ चुके हैं तिरंगा फहराने के लिए और पुलिस रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। संविधान की प्रस्तावना पढ़ना चाहता हूँ, संविधान लहराना चाहता हूँ, तिरंगा लहराना चाहता हूँ संसद भवन की प्राचीर पर, संसद भवन की प्राचीर पर। अब देखते हैं कौन रोकता है। संसद भवन की प्राचीर पर संविधान फहराना चाहते हैं, तिरंगा लहराना चाहते हैं। देखो ये पुलिस वाले सर को कैसे तिरंगा नहीं फहराने दे रहे हैं संविधान पे, संसद भवन पे। आगे आओ जरा, संविधान की प्रस्तावना। और ये हमारे सर संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। संविधान से चलेगा ये देश, मनुस्मृति से नहीं चलेगा ये देश, संविधान से चलेगा मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये मुझे बोल के तो प्रस्तावना जरा, सामने देश की संसद भवन है। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। संविधान का राज देश में चलेगा, मनुस्मृति का नहीं चलेगा। एक दलित के बेटे को, बहुजन के बेटे को क्या संविधान के तहत, मौलिक अधिकारों के तहत संसद भवन पर तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं है? संविधान लहराने का अधिकार नहीं है क्या? प्रस्तावना पढ़ने का अधिकार नहीं है? संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर रहे हैं। क्या संविधान की शपथ लेकर देश की सरकार चल रही है? क्या देश की सरकार ईवीएम के बलबूते पूरे लोकतंत्र का विनाश करना चाहती है? क्या एक दलित के बेटे को, क्या एक बहुजन के बेटे को संविधान लहराने की, संविधान पर की प्रस्तावना पढ़ने की, या फिर तिरंगा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो लहराने की इजाजत नहीं है? और ईवीएम के सहारे से हमारे देश में हमारे संविधान को कुचला जा रहा है। देश भर में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। वो आवाज उठाने निकला हूँ, भारत के संसद भवन की प्राचीर पर तिरंगा फहराने निकला हूँ, देश के संविधान को लहराने निकला हूँ, देश के संविधान को लहराने निकला हूँ। ये देखियो हमारे नवाब सतपाल सरवर भीम सेना के चीफ सिपाही को कुछ पुलिस वाले उठा के ले जा रहे हैं। संविधान जिंदाबाद। देखिए हमारे भीम सेना नवाब सतपाल सरवर सर भीम सेना के चीफ को ये उठा के ले जा रहे हैं पुलिस वाले। ये देखिए पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मोदी सरकार कितनी तानाशाही करेंगे। नीला कफन सर पे बांध के आया हूँ, सर पे नीला कफन बांध कर हमारे भाई नवाब सतपाल सरवर चीफ भीम सेना के। नीला कफन सर पे बांध के आऊंगा, मर जाऊंगा, फांसी पर लटका देंगे, अंदर ठोको इसको, ठोको अंदर। हमारे सर नवाब भीम सेना के चीफ नवाब सतपाल सरवर सर को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। उनको उन्होंने जिम में डाल दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में फैलाएं और हमारे भाई भीम सेना के चीफ नवाब सतपाल सर को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, भीम सेना जिंदाबाद, भीम सेना जिंदाबाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं।